कांच शहर के उपनगर बघाना में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में धनेरिया रोड पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां की भाजपा द्वारा गांधी जी की जयंती मनाई जानी थी। कार्यक्रम की शुरुआत में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा मंच पर आकर सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप परिहार को काले झंडे दिखाए गए, चौकीदार चोर है के नारे लगाए गए। इसके ठीक विपरीत भाजपाइयों द्वारा गांधी जी जिंदाबाद, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए। आज के आयोजन में सबसे बड़ी बात यह रही कि समीप की कॉलोनी वासी जो अपनी समस्याएं सांसद विधायक को बताना चाहते थे, वे सभी सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुछ हाथापाई भी हुई, किंतु बीच बचाव के कारण मामला शांत हुआ। आप देख रहे हैं हेमंत गुप्ता की यह विशेष खबर। गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी गांधी जी नैरोवादियों को गांधी जी का महिमा मंडन पसंद नहीं है, हम सब गांधी के साथ खड़े रहेंगे। बोलो गांधी जी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज नैरोवादियों ने अपना चेहरा दिखाया है पहली बार, क्योंकि देश पूरा गांधी का महिमा मंडन कर रहा है, इसलिए नेहरू के अनुसरण करने वाले नंदू पटेल जैसे लोगों ने गांधी जी का विरोध किया है। नीमच की धरती से कांग्रेस ने गांधी जी के विरोध का जो आह्वान किया है, हम इसका विरोध करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं, और देश का बच्चा बच्चा गांधी जी के साथ खड़ा रहेगा। बोलो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने जो 47 से लेकर यहाँ तक नहीं किया है, सफाई से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं था, देश में विकास से इनका कोई नाता रिश्ता नहीं था, आज देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है।
तो नेहरू वादियों ने ये विचार कर लिया कि गांधी का विरोध करो और इसलिए गांधी जी के और जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह का कांग्रेस विरोध कर रही है। मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं अपील करता हूँ जनता से कि गांधी जी के विचारों पर हम दृढ़ रहकर खड़े रहें और जो देश से अपेक्षाएं गांधी जी की थी आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सब पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे आवाज है जब मुझे और मध्य में जगह एक प्रशासक समझ जाए।